कोशिश कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को ये समझा रही हूँ कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है डेटा ऐसा ही है किसी भी डेटा सेंटर में हम डाटा रखेंगे तो उसकी सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज है ठीक है अब इस डाटा सेंटर को जहां पे आपका एक्चुअल डाटा पड़ा हुआ है उसको आप कहते हो कोर लेयर ठीक है ओके अब इससे नेक्स्ट लेयर आपकी जो इसको कनेक्ट करवाएगी इस कोर लेयर तक पहुंचाने के लिए आपको हर तरह की सिक्योरिटी भी चाहिए आपको हर चीज का इसमें लिहाज भी रखना है ख्याल भी रखना है कि आप इस कोर लेयर तक किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचाएं हमने लास्ट जो डाटा सेंटर की सिक्योरिटी भी देखी थी वो सिक्स लेयर्स में सिक्योरिटी थी जो कि फिजिकल हैजर्ड या फिजिकल इंसिडेंट्स को हैंडल करने के लिए डिजाइन की जाती है अब यहाँ पे जो मैं चीज बात कर रही हूँ या हम बात इस पे कर रहे हैं कि अगर कोई वायरस अटैक या कोई माल मलेशियस एक्टिविटी कोई फंक्शन तरह की चीजें अटैक करें तो उनसे अवॉइड करने के लिए जो चीज़ आप डिजाइन करते हो वो आप इस तरह से करते हो कि ये आपकी कोर लेयर आ जाती है कोर लेयर के ऊपर आपने बनानी होती है एग्रीगेशन लेयर ठीक है ये एग्रीगेशन लेयर आपको ये बताएगी कि जो नेटवर्क को एक्सेस करने वाले लोग हैं ना एक्सेस लेयर पे जो लोग इंटरनेट के जरिए इस डेटा सेंटर को एक्सेस करना चाह रहे हैं उनको आप यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे उनके ऑथेंटिकेशन देखेंगे उनको चेक करेंगे कि ये ऑथेंटिक यूजर है या नहीं है फिर उनको एग्रीगेशन लेयर के ऊपर भेज देंगे ठीक है ऑग्रीगेशन लेयर मॉड्यूल पे ये एग्रीगेशन लेयर मॉड्यूल डिसाइड करेगी कि डेटा सेंटर के कौन से कॉम्पोनेंट पे और कौन से पाथ पे आपने राउट करना है या ट्रेवल करना है ये आपका टोटल आपके आर्किटेक्चर का डिजाइन है कि आपकी आपकी कोर लेयर जहां पे एक्चुअल सर्विसेज डिजाइन की जाती हैं और आपकी एक्सेस लेयर लेयर उस एक्सेस में आपने ये चीज सोचनी होती है ये चीज डिजाइन करनी होती है कि वो एक्सेस लेयर आपको बाहर की दुनिया से डाटा सेंटर से बाहर जो यूजर है कस्टमर है क्लाइंट है या कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई दूसरी कोलाबोरेशन कोलाबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे मिल के अगर किसी चीज के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो एक्सेस लेयर पे टर्मिनेट होंगे और एक्सेस लेयर के बाद एग्रीगेशन लेयर पे उनको डिसाइड किया जाएगा कि वो कहाँ पे डाटा सेंटर में किस जगह पे पॉइंट आउट किए जाएंगे अब इसको जरा रीड करें और फिर आप मुझे बताएं कि इसमें कोई क्वेश्चन या कोई डिफिकल्टी है इसमें आपको नेटवर्किंग से रेलिवेंट चीजें बताई गई हैं कि ये हाई स्पीड पैकेट स्विचिंग बैकबोन प्रोवाइड करती है फॉर ऑल इन गोइंग इन एंड आउट गोइंग डेटा सेंटर के अंदर आपने जो चीजें लेके जानी है कोल्ड एयर आपको प्रोवाइड करती है कनेक्टिविटी जो एग्रीगेशन मॉड्यूल के साथ तो आपको प्रोवाइड करेगी रिजिलियंट ले रेजिलियंट का मतलब आपको बार बार बता चुकी हूँ कि अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको फॉरन फिक्स कर लिया जाए राउटेड फेब्रिक फैब्रिक विद नो सिंगल पॉइंटर यानी आपको कोई सिंगल पॉइंट नहीं मिलेगा बिटवीन द कैम्प कोर एंड एग्रीगेशन लेयर नेक्स्ट लेयर के ऊपर आप आते हो तो आपको क्या चीजें मिल रही है एग्रीगेशन लेयर मॉड्यूल प्रोवाइड इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या करेगा सच एज सर्विस मॉड्यूल इंटीग्रेशन layer two domain defines spanning tree processing and default gateway aggregation layers. Can use services such as firewall, load balancing, optimization, security application, you yani, authenticate the user kahan, kahan pe move you have design layer two. Ke design Few modules provide service such as content switching of firewall, SSL and detection of the, intrusion detection of network analysis. फिर आपके पास जो अगली लेयर आती है वो एक्सेस लेयर है कंसिस्ट ऑफ द स्विच सर्वर्स दीज एक्सेस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मॉड्यूल स्विचे फिक्स कॉन्फिग्रेशन वन आर यू एंड इंटेग्रेल इंटीग्रेटेड ब्लेड सर्वर स्विचेस ये आपके पास सर्विस की प्रोविजन uh, के लिए ये आपका डिजाइन अगर आप देखो कि आपने अपने नेटवर्क को डिजाइन कैसे करना है तो वो आपके पास एक्सेस लेयर एग्रीगेशन लेयर और ये कैंपस कोर नेटवर्क कैंपस आप लोग किसी भी एंटरप्राइज को किसी यूनिवर्सिटी को किसी हेल्थ सेंटर को किसी रिसर्च सेंटर को किसी फाइनेंशियल और बैंक सेंटर को किसी भी चीज को बोल सकते हो ठीक है ये आपके पास कोर है ये एग्रीगेशन है और ये आपके पास एक्सेस लेयर है ये आपका डिजाइन इस तरह से बन जाएगा अगर आप कहते हो कि आपने मल्टीपल लेयर्स के साथ काम करना है तो वो भी आप डिजाइन कर सकते हो इसमें आपके पास डाटा सेंटर की अपनी लेयर्स टोपोलॉजी कैंपस लेयर के अंदर काम लेटा सेंटर में कर रही है एग्रीगेशन लेयर्स आपके पास आप देख रहे हो कि मल्टीपल डिजाइन की हुई है देन आपके पास जो एक्सेस uh, लेयर है उसको आप मल्टीपल राउट्स uh, के जरिए डिजाइन कर सकते हो ये आपके पास अलग बन रहा है यहाँ पे अलग है ये आपके पास अलग है इसमें आपको मुख्तु चीजें या मुख्तु ये सिस्को के नेटवर्क को डिजाइन किया गया है सिस्को जिस तरह से अपने सर्वर स्विचेस या राउटिंग के प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करता है ये उसके अकॉर्डिंग आपका डिजाइन हुआ हुआ है देन कम्स आपके पास डिजाइन सेंटर को डिजाइन करने डेटा सेंटर को डिजाइन करने के लिए मॉड्यूल में एंटरप्राइज में कितने टाइप्स के हो सकते हैं या तो आप मल्टीलेयर बना लो ठीक है मल्टीटी मॉडल बना लो या फिर आप सर्वर क्लस्टर मॉडल बना लो कि ये आपका एक डेटा सेंटर है इसमें आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है क्लाइंट के जरिए कनेक्टेड है और ये आपके रिक्वेस्ट को एंटरटेन कर रहा है मल्टी टेयर मॉडल के अंदर क्या होता है आप कहते हो ये आपकी वेब एप्लीकेशन है या वेब का सोल्यूशन है वेब पे आपकी यूजर की एक्सेस टर्मिनेट होगी फिर आपके पास ये एक्चुअल मल्टीपल लेयर्स के साथ गुजर के आपकी एप्लीकेशन लेयर है आपका डाटा बेसिस है और फिर उसके बाद एंड पे आपके डाटा सेंटर तक आपकी रिक्वेस्ट जाएगी जो आपको एक्चुअल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं देन कम्स कि ये आपके पास किस तरह से काम कर रहा है मल्टी मल्टीटियर मॉडल में यूजली आपके पास क्या होता है डाटा सेंटर मॉडल इज डोमिनेटेड बाई एच टी टीवी बेस्ड एप्लीकेशन इन मल्टी मल्टीटी अप्रोचेस मल्टीटर अप्रोच इंक्लूड करती है आपकी वेब एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन डेटा बेस्ट एंड सर्वरटी मॉडल डिफरेंट जब आपके पास ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी होगी तो एक पैराडाइम है एक मेथड है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का जो उसके मुताबिक काम करते हैं ये एक दूसरे से कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं ये डिज़ाइन है आपके पास मल्टीटियर मॉडल का यहाँ पे आपके वेब एप्लीकेशन है यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन हैं और ये आपको एक्चुअल डेटाबेस यहाँ